नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दीपावली और छठ पूजा की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाएं, हम यही कामना करते हैं। जब छुट्टियां आती हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जिन बच्चों के बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, बहुत कुछ रिविजन के लिए बाकी होगा, उनका प्लान होगा इस छुट्टी में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि हम बहुत सारे चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं किए, इसमें सब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी बुकलेट सारा टेस्ट सब निपटा लेंगे इसमें। कई लोगों के बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे, बहुत बड़े बड़े टारगेट बना के बैठ लिए इस छुट्टी में, और पिछले समय में जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे उसको इसी छुट्टी के लिए टाल रहे थे। मैं इस वीडियो में कतई नहीं बताने वाला हूं कि आप इस छुट्टियों में जो है वो डेली 8 घंटे की पढ़ाई करें। यही छुट्टियां हैं जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है और आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि ये बातें प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल हो नहीं पाती हैं। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, समस्या छुट्टियों में नहीं आती है, समस्या त्यौहार में नहीं आती, समस्या त्यौहार के बाद आती है। बात यह आती है कि जब हम बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हम ये कंप्लीट कर लेंगे, और जब वो पूरा नहीं होता ना तो आप डिप्रेस होते हो, परेशान होते हो। समस्या वो है कि जब आप छुट्टी के बाद अपनी क्लासेस फिर से शुरू करोगे तब आपके मन में एक चलता रहेगा कि यार छुट्टियां थी मैंने पूरी बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, अब मैं क्या करूं। अब इस परेशानी, ये सोच सोच के जो है वो आप 2-4 दिन और नहीं पढ़ाई करेंगे, ये और ज्यादा खराब होता है। तो एक्सपेक्टेशंस हमको बहुत कम रखनी है, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो अपेक्षाएं कम रखेंगे कि हम इतना कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन, ऐसा कोई भी टारगेट जो है वो मन में मत सेट करिएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल होने वाले टारगेट्स ही रखिएगा, छोटे छोटे टारगेट्स रखिएगा। किस तरीके से आपका टाइम टेबल हो सकता है इन छुट्टियों में, मैं उसके बारे में बातचीत करता हूं। देखिए, दीपावली और छठ पूजा दोनों त्यौहार आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। पता होता है कि इन छुट्टियों में ढेर सारे मेहमान रिश्तेदार लोग भी आ रहे होते हैं और घर में भी बहुत सारा काम हो रहा होता है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम कह दें कि आप डेली 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। संभव नहीं है। जिनके लिए संभव है, जो पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें, कौन मना कर रहा है इसके लिए, लेकिन जो संभव है उसको ध्यान से सुनिए। आप एक काम ये करिए कि अपने लिए एक टारगेट सेट करिए, वो टारगेट मेरा ये मानना है, जो मैं मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो 2 से 2.5 घंटे का डेली, 2 से 2.5 घंटे, और जिसमें कि कुछ दिन काट देना है। जैसे मेन जो दीपावली का दिन है वो तो पक्का काट दीजिएगा। एक तो अगले दिन जो कलम पूजा होती हो तो कसम खा लिया होता है, उस दिन तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं जाता है, वो तो दिन छोड़ी तो 2 दिन ऐसे कट गया, मेन दीपावली के दिन और उसका अगला दिन, ये 2 दिन आप काट दो। और ऐसे ही छठ पूजा में 2 दिन, एक दिन शाम वाला अर्घ जब होगा और एक दिन जब सुबह वाला अर्घ होगा, ये 2 दिन काट दीजिए। 4 दिन तो पढ़ना ही नहीं है, 4 दिन तो कॉपी किताब टच नहीं होगी, 2-2.5 घंटा भी छोड़ दो, लेकिन इस 4 दिन के अलावा जो भी आपके बाकी के दिन हैं उन दिनों में आप 2 से 2.5 घंटा यार पढ़ सकते हो, बहुत इजीली पढ़ सकते हो। एक साथ 2-2.5 घंटे का स्लॉट मत निकालना, इसको यहां पर डिवाइड करिए 2 स्लॉट में। यहां पर आपके पास 2 स्लॉट होने चाहिए ऐसे, वो आप जो है वो एकदम सुबह का या एकदम रात का निकालिएगा, बीच के समय में मौका नहीं पाओगे, एकदम सुबह या एकदम रात में। लेकिन 2 से 2.5 घंटे मैं कहता हूं, मतलब 1 घंटे 15 मिनट का एक स्लॉट, 1 घंटे 15 मिनट का एक स्लॉट, ऐसे आप 2 स्लॉट निकालिए, एकदम सुबह एकदम रात, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, कहीं से भी 2 स्लॉट निकाल लीजिए। अगर आप अपने आप को बस इतने का टारगेट देंगे डेली बेसिस का, पहली बात तो कम से कम 2.5 घंटे एक दिन में पढ़ लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर मुझे याद है कि जब हमारे समय में, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था जेई की, तो उस समय जब छुट्टियां हुई थी, तो चूंकि ऐसा होता है कि जब आप कहीं कोचिंग में जाओगे तो वहां पर बेसिकली एक ही छुट्टी करते हैं साल भर में, दीपावली के 10 दिन की, और कभी नहीं होती। सेम वही हमारे यहाँ भी चलता है, दीपावली में ही एक बड़ी छुट्टी मिलती है आपको। तो क्या हुआ, 10 दिन की छुट्टी हुई थी, तो मैंने भी पूरा, जब मैं वहां से कानपुर में तैयारी कर रहा था, तो कानपुर से मैं जब घर आया तो पूरा एकदम झोला भर के मैं कॉपी किताब लेके आया कि सब खत्म कर दूंगा। नेट रिजल्ट क्या था कि मैंने यहाँ पर पूरे छुट्टी भर में 0R की पढ़ाई की थी। 0R मतलब एक शब्द नहीं पढ़ा था, झोला जैसे का तैसा ही रखा रह गया, मैंने टच नहीं किया 10 दिन। 10 दिन दीपावली नहीं मना रहा था, आपको भी ये बात पता होगी, 10 दिन दीपावली होती ही नहीं है। तो देखो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यार बड़ा टारगेट मत लेके चलना, 2-2.5 घंटे का स्लॉट बनाओ,
दो ढाई घंटे आपको एक दिन में पढ़ना, वो भी कौन से दिन, मैंने बता देना चार दिन हटा देना है, दीपावली, दीपावली का अगला दिन और दो दिन छठ वाला, ये चार दिन तो आपके कटआउट हो जाने चाहिए, ये चार दिन तो पढ़ना ही नहीं, कॉपी किताब टच ही नहीं करना है। बाकी के दिनों के लिए मैंने बोला दो से ढाई घंटे का। अगर बाई चांस जो और दिन आप दो ढाई घंटा पढ़ने वाले हो, अगर आपके लिए फेवरेबल समय मिल गया या ऐसा हो गया कि आपका इंटरेस्ट आ गया, पढ़ने मन लगने लगा, हो सकता है यही ढाई घंटा आप चार घंटे पढ़ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेट करेंगे अपना टाइम टेबल तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। बहुत ही अच्छे से दीपावली और छठ पूजा दोनों एकदम दिल और मन से मनाइए, कोई नहीं रोक रहा है और जरूरत भी होती है। हमारे एक सर हैं, उन्होंने ये मुझे सजेस्ट भी किया था एक बार कि देखो बेटा पढ़ तो रहे ही हो डेली, अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हो, और अगर ये सोचोगे कि हम छुट्टियों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे प्रेशर लगाएं तो अल्टीमेटली परेशान हो जाओगे, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करिए, उसको थोड़ा रिलैक्समेंट दीजिए, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे तो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई छुट्टी नहीं है, इसके बाद सीधे आपको अपना एग्जाम देना है मई में, तो वो एक बड़ा एक लंबा समय चलेगा, उस लंबे समय को अपने दिमाग को तैयार करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्समेंट दे दीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई और फेस्टिवल दोनों बैलेंस आउट करना चाहते हो तो एटलीस्ट इतना कर लेना, ताकि छुट्टी के बाद आओगे ना तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, डिप्रेस नहीं होगे। और अगर छुट्टी में मेरी तरीके से जीरो आर करके गए ना, मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरा दोस्त था, जो हम लोग साथ में ही रहते थे कानपुर में, तो मैं तो जीरो आर पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ाई किया था, थोड़ा ही किया था, वो यही दो ढाई घंटे, एक दो घंटे ही पढ़ा था वो डेली बेसिस पे, लेकिन इतना वो पढ़ा था, तो उसने बताया उसने ये पढ़ लिया ट्रेन में ही, मैं ट्रेन में ही डिप्रेशन में चला गया कि यार देखो ये हम मुझसे इतना आगे हो गया, इतना पढ़ लिया और मैं तो कुछ नहीं पढ़ाई किया। आने के बाद क्या होगा, परेशान रहोगे, दिमाग में बहुत सारी बातें जो है वो घूमती रहेंगी और वो बड़ी परेशान कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे तभी जब आप छुट्टियों का कुछ इस तरीके से यहाँ पर सदुपयोग कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, एक जनरल बातचीत थी, और इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं मेरा मतलब है कि मैं आपको त्यौहार मनाने से मना करूँगा या मैं कह दूँ नहीं बढ़ के पढ़ाकू बन जाओगे इस त्यौहार में, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ऐसा होता है, वो 100 में से 1 केस होता है, तो उस एक केस की मैं बातचीत ही नहीं करता हूँ, मैं तो अपने टाइप की बातचीत करूँगा, जो मैं हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं समझता हूँ, मैं उसकी बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए, मिठाइयाँ खाइए, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत दीजिएगा। आपने अगर ये कर लिया तो आप ये मान लो कि आपने त्यौहार बहुत अच्छे से मना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।